तो सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी नई आवाज़ आप फिर से पुष्पा 2 में सुनने मिलती है? नहीं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार, एंड यू नो मैं जब उस दिन वो टीज़र जो अभी अभी लॉन्च हुआ है उसकी डबिंग के लिए जब मैं गया था, वो एक ही लाइन थी, लेकिन जब मैंने वो सारे विजुअल्स वापस देखे और अल्लू जी को ये करते हुए देखा पुष्पा में, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया मैं, और एट द सेम टाइम थोड़ा नर्वस भी हुआ, बिकॉज टीज़र को जो रिस्पॉन्स आया है और लोगों की जो उम्मीदें बढ़ गई है, ऑब्वियसली हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है. सो आई वुड लव टू बी एसोसिएटेड अगेन विद पुष्पा, एंड आई विल डेफिनेटली हैव टू डू अ गुड जॉब वन मोर टाइम टू मेक श्योर दैट जो लोगों की उम्मीदें उस फिल्म से लगी है, हम उस उम्मीद पे खड़े होते हैं. आपका जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है एमरजेंसी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? एमरजेंसी आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी बिग फिल्म एंड वेरी एबली हैंडल्ड बाय कंगना रनौत. शी इज़ द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड ऑल्सो द लीड एक्टर. सो आई थिंक एज एन एक्टर तो ऑफकोर्स हम सारे उनसे प्यार करते हैं बिकॉज बहुत फेनोमिनल एक्ट्रेस है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है एज अ डायरेक्टर उन्होंने मुझे बहुत सरप्राइज किया. इतने बड़े स्केल की फिल्म को इतना बखूबी उन्होंने डायरेक्ट किया और इतना शांत दिमाग से, इतने क्लैरिटी के साथ. बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी फिल्म को, जिसमें आप काम भी कर रहे हैं तो वो करना बहुत मुश्किल होता है, बट जिस ईज़ के साथ वो कर रही थी, आपको ऐसा लगता है कि ये पक्का पहली दूसरी फिल्म में इनकी एज अ डायरेक्शन या चुपके चुपके ये कर रही थी. सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वन टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक एमरजेंसी, टू टू बी प्लेइंग अ पार्ट ऑफ अटल जीज पार्ट इन द फिल्म, एंड थर्ड टू वर्क विद कंगना बोथ एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर. थैंक यू सो मच सर. प्लेजर. थैंक यू.